नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस Realme के ब्लूटूथ हेडफोन के बारे में। यह दोस्तों, इसका मैंने अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू पहले ही कर दिया था, बट दोस्तों अभी मैं आपको इसके फुल स्पेक्सेशन बताऊँगा काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद कि इसमें दोस्तों हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और ये हमें किस तरह का परफॉर्म करके देता है, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके। अगर आप कोई ब्लूटूथ हेडफोन खरीदने सोच रहे हो तो आपको दोस्तों एक बेटर आइडिया मिल सके, जिससे आप अगर Realme के इस वाले हेडफोन खरीदना चाहते हो तो आपको कोई टेंशन ना हो खरीदने से पहले। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी हेडफोन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप एक अच्छा हेडफोन खरीद सको अपने लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस हेडफोन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। वीडियो शुरू करने पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसी हेडफोन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, आप इसे कितना भी इस तरीके से सॉफ्ट मोड़ो, कितना भी कुछ करो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके दोस्तों जो वायर हैं वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे वाले हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों इस हेडफोन में सबसे अच्छा फीचर ये दिया गया है कि जब भी आप ऐसे इस तरीके से हटाओगे तो ये ऑन हो जाएगा और इसे चिपकाओगे तो ये फिर से पावर अप हो जाएगा। इसमें दोस्तों कोई भी बटन नहीं है, जिससे आपकी बैटरी बाई चांस ऑन रह गई तो इसकी आपकी जो बैटरी है इसकी वो खर्च हो जाए। जैसे ही आप इसे चिपका दोगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो इससे दोस्तों आपकी इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी टाइम तक चलती है। और दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो आप इसे अगर डेली यूज करते हो और दोस्तों रेगुलर यूज करते हो तो आपको इसमें 7 से 8 घंटे का बैटरी गार्ड मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये, अगर आप डेली परमानेंट यूज सुनते हो तो आपको इसमें 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप इसे सिर्फ कॉल के लिए यूज करते हो तो दोस्तों आपको इसमें काफ़ी टाइम के लिए बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी बैटरी है इसकी। और दोस्तों अब बात करते हैं इन क्लिपों के बारे में कि जब भी आप दोस्तों अपने इन्हें कानों में लगाओगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रिप हो जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रिप हो जाते हैं इस तरीके से। और जब इन्हें आप अपने कानों में लगा लोगे तो दोस्तों बाहर की आवाज़ आपको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देगी, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको साउंड क्वालिटी देंगे। और दोस्तों इसमें जो देख सकते हो इसमें चार्जिंग पिन दी हुई है, ये दोस्तों एक माइक्रो USB वाली केबल है इसके साथ जो मिलती है। आप इसे चार्ज करोगे तो ये 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है और ये काफ़ी टाइम में चलता है। और दोस्तों इसकी साउंड की बात करें तो अगर आपको एक ऐसा हेडफोन चाहिए, ऐसा दोस्तों ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए जिसमें दोस्तों आपको कॉल क्वालिटी अच्छी मिले, तो आप इसे बिना टेंशन ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसकी कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो दोस्तों म्यूजिक भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, बट इसकी जो लाउडनेस है दोस्तों जो धमक वाली आवाज़ होती है वो इसमें थोड़ी कम है, बाकी दोस्तों इसमें म्यूजिक को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। दोस्तों इसे यूज करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसकी जब मैंने इसे ख़रीदा था उस टाइम इसकी प्राइस दोस्तों 1300 रुपये थी, मुझे ऑफर करता 1300 रुपये में मिल गया था, बट दोस्तों अभी इसकी जो प्राइस है वो 1600 रुपये समथिंग है। तो दोस्तों अगर आपको Realme का इस हेडफोन चाहिए ये वाला, तो आप इसको 1500 से 1550 के बीच में खरीद सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी आपने अगर अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में आकर चेक कर सकते हो, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की हुई है। तो दोस्तों Realme का जो हेडफोन ब्लूटूथ वाला काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो 1 साल की वारंटी मिलती है इसमें, और आप Realme के सर्विस सेंटर जाकर आसानी से इसे सही करवा सकते हो, क्योंकि दोस्तों Realme का सर्विस सेंटर आपको आसानी से आपके शहर में मिल जाएंगे। और कंपनियां होती है दोस्तों उसके सर्विस सेंटर हर जगह नहीं होते, बट Realme अपने दोस्तों फ़ोन भी बेचती है, तो इसलिए Realme सर्विस सेंटर आपके शहर में ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो चली हुई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।